दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज फिंच की मटकियां लगाना है। फिंच बर्ड जो मैं लेके आया था, आपको पता होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, तो 17 फिंच है, तो आज उनकी मटकियां लगा देते हैं दोस्तों। और मैं दिखाता हूँ आपको फिंच को, ये फिंच अच्छी खासी है और थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि सेट हो गई है घर में, क्योंकि कोई भी परिंदा नया लेके आओ तो थोड़े से दिन तक ऐसा लगता है कि वो तो 3 दिन तक तो वो खाता पीता ही नहीं है ढंग से, ऐसा लगता है हमें कि दाना ही नहीं खा रहा है। कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे परिंदे खा नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, दाना खाते हैं वो, एक आध टाइम खा लेते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तब खा लेते हैं, वैसे वो ऊपर ही बैठे रहते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप नए परिंदे लाए हैं और ऐसा कर रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको फिंच बर्ड, देखिए दोस्तों, और फिर मटकी भी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा, और नेस्ट मटेरियल मटकी में कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए पहले फिंचेस को देखिए आप, देखिए बेहतरीन है, फिंच जो है एक्टिव है पूरी तरह से दोस्तों, सभी ऐसी लग रही है कि बिल्कुल अब मटकी लगा देना चाहिए। तो अब देखिए ये मटकी है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको मटकी में नेस्टिंग करके बताऊंगा और मटकी लगा के भी बताऊंगा। मुझे लगाना 8 मटकियाँ, आप देख रहे हैं ये पिंजरा, दो दो मटकी ऐसे लगाऊंगा तो 8 मटकी हो जाएंगी चारों तरफ, चारों कोनों पे लगाना है मटकियाँ। अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये बजरी तोतों की मटकी है, और इसी को मैं फिंच में लगा दूंगा। और ये नेस्टिंग मटेरियल जो है नारियल के बाल हैं, जैसे जूट बोलते हैं, दरअसल एक मूंज भी होता है जो मेरे पास ख़त्म हो गया, वो भी काफ़ी अच्छा नेस्ट मटेरियल होता है, बल्कि मूंज मुझे काफ़ी पसंद है, नारियल के बाल से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम इसे लगा देंगे दोस्तों। इसमें हमें क्या होता है कि नेस्टिंग हम अगर आधी कर देते हैं तो उससे ये होता है कि बाकी ये खुद कर लेते हैं, बल्कि आधी से ज़्यादा, यूँ समझिए पूरी के लगभग ही कर देते हैं हम नेस्टिंग, फिर उसको ये थोड़ा सा घेरा वेरा कर लेते हैं, बाकी नेस्टिंग हमें खुद ही कर देना चाहिए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि पूरी नेस्टिंग कर दूँ। इसके अंदर ये कचरा वगैरह है, थोड़ा सा मोटा लकड़ी के टुकड़े अगर हो नारियल की तो उसको आप निकाल दें, और इसको हम और कम कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा आप इस तरह कर लें जो कि जमा हुआ सा होता है, तो उससे ज़रा अच्छी नेस्टिंग होती है। ये दिख रहा होगा आपको काफ़ी अच्छा हो गया है, देखिए आप। अब इसको हम मटकी के अंदर ऐसा कैसे ही उतार देंगे दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये जो है इस तरह का हो गया है, और इसको हमने रख के और थोड़ा सा ये हाथों से हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, इस साइड से भी चिपका देते हैं ऊपर से, और ये देखिए, क्योंकि ये जो फिंच बर्ड होते हैं ये ऊपर तक नेस्ट बनाते हैं, देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि काफी अच्छा सा नेस्ट बन गया है। अब हमें और क्या करना है दोस्तों, अगर जैसे कि ये ठीक से अगर नहीं जम पाया, हमने पहली बार ऐसे को जमाया और ये ठीक से नहीं जम पाया, तो हमें क्या करना है, इधर उधर जो खाली जैसे आसपास जो जगहें दिखती हैं तो इस टाइप का हमें और लेना है थोड़ा सा, और उसको पूरा कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और अगर नीचे कहीं मटकी दिख रही है तो हमें मटकी भी नहीं दिखने देना है, ये देखिए दोस्तों ये हो गया, हमारी नेस्टिंग हो गई है। और देखिए आप और मटकियां भी बता देता हूं मैं, एक ये मटकी है, इसमें भी ऐसी नेस्टिंग है, देखिए ये मटकी है, इसमें भी ऐसी नेस्टिंग करी गई है, और ये देख लीजिए आप ये, और ये मटकी भी देखिए दोस्तों, और ये मटकी भी देखिए दोस्तों। अब हम लगा देते हैं मटकी को, देखिए ये मटकी अभी वाली है जो हमने नेस्टिंग करी है, अब हम लगा देते हैं मटकियों को। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि मटकी लगाएंगे, और मटकी लगाने में कभी कभी परेशानी क्या आती है कुछ दोस्तों को मैं बता दूं आपको, तो क्या होता है कि इस टाइप का जो केज होता है उसमें ऐसा छोटा सा दरवाजा लगा होता है। अब हमारे भाई लोग सोचते हैं कि आप किस तरह से मटकी लगाए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कुछ भाई, तो देखिए दोस्तों मटकी को लगाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ लगाना है तो यहाँ से तो ऐसे हाथ से मटकी को करके, और इधर तो मैं खुद ही हाथ से कर दूंगा है ना, लेकिन उधर लगाना है तो फिर क्या करेंगे हम, ये डंडा है जैसे, ऐसा आप एक डंडा लीजिए बांस का, और मटकी को इसमें ऐसे फंसाइए, और मटकी को फंसा के, और देखिए इस तरह से
एक इंसान को उधर खड़ा करना है हमें उस साइड, और मटकी को ऐसे दे देना है, और जब मटकी को हम देंगे तो उधर से ये तार, देखिए दो तार इसमें मटकी में निकले हुए हैं, अगर आपको दिख रहा हो दो तार, तो बस इसको इस तरह से निकाल देना है उधर से, और दूसरे इंसान को उधर खड़ा कर लेना है तो वो पकड़ के इसको कस देगा। तो आपको दिख गया होगा दोस्तों के मटकी को किस तरह से लगाना है, अभी मैं लगाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए फिंच की मटकियाँ लगा दी हैं हमने, और दो मटकियाँ इधर लगाई हैं, दो उधर लगाई हैं, दो इधर और दो इधर, यानी कि 8 मटकियाँ लगा दी हैं और 17 फिंच हैं इसमें। अब 17 हैं तो इसमें पूरे 8 जोड़े नहीं है, शायद एक दो मादाएं ज्यादा है या एक दो नर ज्यादा होंगे जोड़े बनने के बाद, तो इसलिए मैंने लगा दी है दोस्तों मटकियाँ। और अब ये फिंच की भी कॉलोनी, एक छोटी सी कॉलोनी ब्रीडिंग शुरू होगी आपके सामने, और ऐसे वीडियो बना के आपको दिखाता रहूंगा फिंच के कि अब इसके बाद क्या हुआ। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको दिखता रहे स्टेप बाय स्टेप कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ और इसके बाद अब बाद में क्या हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो में।